सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्नर लेसन्स का ऊपर एक टेस्ट सीरीज जो कि 10 मॉक टेस्ट का एक सीरीज है। फ्रेंड्स, लर्नर लेसन्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हर एक मॉक टेस्ट में सिर्फ 15-15 क्वेश्चन है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है जो कि यूट्यूब इतिहास में पहली बार है, वो भी बिल्कुल फ्री। फ्रेंड्स, अगर आप 10 मॉक टेस्ट पूरी लगा लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है पास होने से। सारा मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आप एक पेपर का थोड़ा सा टुकड़ा ले लें जिसपे आप 1 से लेकर 15 तक नंबरिंग कर लें। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा आपको उसका आंसर उस पर लिखते जाना है और लास्ट में हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। सो बिना समय बवाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त आरएस के एक और फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राइजिंग इंडिया बाय आरएस के में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग इंडिया बाय आरएस के को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। आपको 15 क्वेश्चन 15 मिनट में करना है। हर एक क्वेश्चन का वेटेज समान है। सही आंसर देने पर 1 मार्क्स और रॉन्ग या अनआंसर क्वेश्चन पर 0 मार्क्स। आपको लर्नर लाइसेंस एग्जाम को पास करने के लिए 15 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन सही करना है, यानी कि 60% स्कोर करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि आप एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के निकट आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि अगर आप एक रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, गाड़ी को और तेज करके जल्द पार कर लें। ऑप्शन बी, गाड़ी की जांच के लिए रुके और बाहर निकले। और ऑप्शन सी, धीरे धीरे ड्राइव करते रहें। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि गाड़ी के जांच के लिए रुकें और बाहर निकलें। सो गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, टू राइड अ मोटरसाइकिल विदाउट गियर ए पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट व्हाट एज, यानी कि बिना गियर वाली मोटरसाइकिल की सवारी करने के लिए एक व्यक्ति की उम्र कम से कम क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 15 ईयर्स, ऑप्शन बी है 18 ईयर्स और ऑप्शन सी है 16 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 16 ईयर्स। सो गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ PUCC यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर हाउ लॉन्ग फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। फ्रेंड्स, आपसे इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है वो कितनों दिनों तक वैलिड होता है डेट ऑफ इशू से लेकर। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 1 ईयर। फ्रेंड्स, पोल्यूशन सर्टिफिकेट पहले 6 मंथ तक वैलिड होता था लेकिन अब 1 ईयर तक वैलिड होता है। सो गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ यू वॉन्ट टू टेक यू टर्न वट देर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक अराउंड यू देन वट शुड यू डू, यानी कि आप यू टर्न लेना चाहते हैं लेकिन चारों ओर बहुत ट्रैफिक है तो आपको क्या करना चाहिए। आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कम व्यस्त जगह मिलने तक ड्राइव करें। ऑप्शन बी, जितनी जल्दी हो सके मुड़ जाओ। और ऑप्शन सी, दूसरों को रोकने के लिए और आपका इंतजार करने के लिए मजबूर करें, यानी कि फोर्स अदर टू स्टॉप एंड वेट फॉर यू। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कम व्यस्त जगह मिलने तक ड्राइव करते रहें। हेलो गाइज, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। लर्नर लाइसेंस में जो एग्जाम होता है RTO ऑफिस में, उसके लिए हमने आपके लिए एक वेबसाइट तैयार किया है जिसका नाम है www.drivinglicenseonlinetest.com। फ्रेंड्स, आप इस वेबसाइट पे आप फ्री में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि RTO ऑफिस का मेन एग्जाम देने से पहले आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लें। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो गाइज, अब हम चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 5th है, विच ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थिंग्स फॉर मेकिंग अ टर्न, यानी कि मुड़ने के लिए इनमें से कौन सी चीजों की सही क्रम है। फ्रेंड्स, आपसे इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि अगर आप टर्न लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आप सबसे पहले दर्पण देखेंगे या सबसे पहले मुड़ेंगे
या सबसे पहले इंडिकेटर जलाएंगे। तो आपको एक सही क्रम चूज करना है। आपको जो भी क्रम उचित लगता है उसे पेपर पर जरूर नोट डाउन करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए दर्पण मूढ़े संकेत, ऑप्शन बी मूढ़े संकेत दर्पण और ऑप्शन सी दर्पण संकेत मूढ़े। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि दर्पण संकेत मूढ़े। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मिरर चेक करनी चाहिए कि पीछे से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। इसके बाद आपको इंडिकेटर ऑन करना चाहिए, उसके बाद ही मुड़े। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वाहन को ओवरटेक करने से पहले ड्राइवर को क्या चेक करना चाहिए, यानी कि बिफोर ओवरटेकिंग अ व्हीकल व्हाट शुड द ड्राइवर चेक। आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए सामने वाहन बाएं मुड़ रहा है, ऑप्शन बी आगे की सड़क साफ दिखाई दे रही है और आगे निकल जाना सुरक्षित है, और ऑप्शन सी पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आगे की सड़क साफ दिख रही है और आगे निकल जाना सुरक्षित है। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, द हैंड ब्रेक इज यूज फॉर। फ्रेंड्स, आपसे इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि फोर व्हीलर में हैंड ब्रेक होता है उसका यूज क्या है। आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाहन पार करते समय, ऑप्शन बी टू रिड्यूस द स्पीड यानी कि गति को कम करने के लिए, और ऑप्शन सी टू स्टॉप फास्ट व्हेन ड्राइविंग यानी कि तेजी से गाड़ी को रोकने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि वाहन पार करते समय। सो गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, नियर ए स्कूल व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच यू कैन ड्राइव। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि अगर आप स्कूल के पास ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहां पे आपकी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 35 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन सी 25 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। सो गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, आगे ट्रैफिक होल्डअप है तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि देर इज ए ट्रैफिक होल्डअप अहेड व्हाट शुड यू डू। सो आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए दूसरी लाइन पे जाएं यानी कि आप अपना लाइन चेंज कर लेंगे, और ऑप्शन बी अपनी लाइन में रहें, और ऑप्शन सी इसके बाईं ओर जगह की तलाश करें। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अपनी लाइन में रहें। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 10 है, द फ्लोइंग साइन रिप्रेजेंट्स यानी कि यह साइन क्या बताता है। आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग, ऑप्शन बी असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग और ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपको जो भी ऑप्शन उचित लगता है उसे पेपर पर जरूर नोट डाउन करें। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग। फ्रेंड्स, आपको अगर यह साइन का मतलब नहीं पता तो मैंने आपके लिए जितने भी ट्रैफिक साइन है उस पर सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, द फ्लोइंग साइन रिप्रेजेंट्स यानी कि यह साइन क्या बताता है। आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक तरफा रास्ता यानी कि वन वे, ऑप्शन बी वाहन एक दिशा में निषेध है और ऑप्शन सी वाहन दोनों दिशाओं में निषेध है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि वाहन दोनों दिशाओं में निषेध है। फ्रेंड्स, आप इस साइन में देख सकते हैं कि दो एरो बना हुआ है और यहाँ पे रेड स्ट्रिप दोनों एरो को क्रॉस कर रहा है, तो यह जो साइन इंडिकेट करता है व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन का। सो गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, द फ्लोइंग साइन रिप्रेजेंट्स यानी कि यह साइन क्या इंडिकेट करता है। आपके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनिवार्य बाएं रखें और ऑप्शन बी बाएं मुड़ें
और ऑप्शन सी अनिवार्य सीधे चलें। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अनिवार्य बाएं रखें। सो गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, द फ्लोइंग साइन रिप्रेजेंट्स, यानी कि यह साइन क्या दर्शाता है। आपके पास तीन ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको उचित लगता है उसे पेपर पर जरूर नोट डाउन करें। सो ऑप्शन ए है बाएं मुड़े, ऑप्शन बी है अनिवार्य बाएं मुड़े, और ऑप्शन सी है बाएं मुड़ना निषेध है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि बाएं मुड़ना निषेध है। सो गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 14 है, द फ्लोइंग साइन रिप्रेजेंट्स, यानी कि यह साइन क्या इंडिकेट करता है। आपके पास तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैलगाड़ी निषेध है, ऑप्शन बी सभी वाहन निषेध है, और ऑप्शन सी सड़क पर पशु मिलने की संभावना है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है बैलगाड़ी निषेध है। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह साइन किसी ओवरब्रिज के पास देखा होगा, ओवरब्रिज पे बैलगाड़ी को ले जाना अलाउड नहीं होता है। सो गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, द फ्लोइंग साइन रिप्रेजेंट्स, यानी कि यह साइन क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए कंपलसरी अहेड, यानी कि अनिवार्य सीधा चले। ऑप्शन बी कंपलसरी अहेड और लेफ्ट टर्न, यानी कि अनिवार्य सीधा चले या बाएं मुड़े, और ऑप्शन सी बाएं मुड़ना अनिवार्य है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अनिवार्य सीधा चले या बाएं मुड़े। फ्रेंड, यह उम्मीद रखते हैं कि आपने 15 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन का सही जवाब दिया होगा। फ्रेंड्स, आपने जितना भी सही जवाब दिया है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें।